Assalamu alaikum everyone, I'm Habir Ahmed from ZK Bloghouse. So guys, welcome to my another blog. So guys, इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं जबल नूर पहाड़ जो है, जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था, उस पहाड़ पे जा रहे हैं हम लोग. सो गाइज, बने रही है हमारे ब्लॉग में. तो गाइस, फाइनली हम लोग टैक्सी ले लिया जबल नूर के लिए. अभी जा रहा हूँ जबल नूर. तो हम लोग 10 आदमी जा रहे हैं, दो टैक्सी लेके. हमारे आगे भी एक टैक्सी है. हमारे सामने जो टैक्सी देख रहे हो, उस टैक्सी में 5 लोग बैठे हैं और हमारे इस टैक्सी में हम 5 लोग. तो कौन सा जगह है ये? मकबरातुल माला. मकबरातुल माला किसका कबर था इसमें? मकबरातुल माला बोले का कबर किसका था? हजरतुल कुबरा. हमारे बीच यह जो जगह था, कौन सा जगह था भाई? गाजा मकबरातुल माला. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी की कब्र है वहाँ. तो गाइस, मक्का से जबल नूर जाने के लिए 10-15 मिनट लगता है टैक्सी में. तो हम भी जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ. वाओ, नाइस प्लेस. तो गाइस, ये बीच में जो पहाड़ देख रहे हो, वही पहाड़ है जबल नूर. तो गाइस, फाइनली पहुंच गया जबल नूर. ऐसे टैक्सी छोड़ देता हूँ, अभी पैदल जाना पड़ेगा ऊपर. तो गाइस, अब हम जाएंगे जबल नूर पे. ऊपर चढ़ते चढ़ते इफ्तार का टाइम हो जाएगा, इसलिए दुकान से कुछ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उधर जाके खाना पड़ेगा. मतलब इफ्तार के टाइम हो जाएगा तो इफ्तार करना पड़ेगा. दोस्तों, ये है जबल नूर, जिस पहाड़ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ था. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक
तो दोस्तों देख सकते हो ऊपर की तरफ कितना ऊंचा पहाड़ है, तो हम लोग जा रहा है ऊपर की तरफ। सुभान अल्लाह, हमारा दो बंदा पीछे रह गया था, उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा हो। फास्ट फास्ट कम फास्ट। जितने लोग हज या उम्रा करने आते हैं सभी लोग ये जगह देखने के लिए आता है, क्योंकि हमारे कुरान के कुछ आयत इसी पहाड़ पे नाजिल हुआ था। सलीम भाई, मैं तो हैरान हो गया। ये है हमारे सलीम भाई। सब चला गया, हमें छोड़ के हम लोग बैठ गए थे 10-15 मिनट। दस पंद्रह मिनट आराम किया इधर बैठ के, फिर शुरू किया ऊपर चढ़ना। ओह काम काम काम। बहुत ऊंचा है, हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर। दोस्तों ये देखिए मक्का शहर ऊपर से, ऊपर से कैसा लगता है देखने में। और हम यहाँ बैठ गए थोड़ी देर आराम करने के लिए, 2-4 मिनट बैठ के आराम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कोशिश करूँगा। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। सलाम वालेकुम, सब कैसा है? ठीक ठाक। हम जा रहे हैं दुर्गा पहाड़। हैरान हो गए। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। ये लोग भी चढ़ रहे हैं ऊपर। गुलहाय या अल्लाह। السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياكم الله. والله تعبان، طالعين غار حرة لزيارته. فين الفهم؟ والله صيامته. فين الفهم؟ مصري أنت؟ مصري؟ لا يمني. يمني. نحن يمنيين. ما شاء الله. هندي. مو هندي، مو ربي هندي، مو ربي هندي، وش يطلع على العلوة يا هندي. الحمد لله، يها بيتنا كلي بنس مل جاء. 2-4 मिनट बैठ के आराम कर लेता हो। 2-4 मिनट बैठ के आराम किया, फिर शुरू किया ऊपर की तरफ चढ़ने। ओह ये लोग हमारे साथ ही है, ये लोग तो ऊपर चढ़ गया। अल्लाह यल्ला ताल ताल। चलो और भाई कहाँ से हो? नाची दे खरोच में मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी वायरल करनी है। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से हो, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। लो सदर से। चलो कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम भी धीरे धीरे
ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो, फिर आके मिल गया यहाँ के बेंच, यह भी थोड़ा आराम कर लेता हो, बहुत ऊंचा है। यल्ला वेयर सो टायर्ड या रब्बुल आलमीन अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्ला अल्लाहु अल्लाह। देख सकते हो यहाँ से नीचे का व्यू, नाइस प्लेस है ना। चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आई एम सो टायर्ड। ओ देख सकते हो कितना अच्छा है, यह बंदर है, मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो बंदर के लिए कुछ लेके आता। एक घंटे से ऊपर हो गया, शुरू किया था ऊपर चढ़ना, लगता है अभी भी आधा घंटा लग जाएंगे। बंदर यहाँ पानी पी रहा है और इधर छोटा सा एक दुकान भी है। तो गैस हम पहुंच नहीं वाला है, ओए दोस्तों, यही है वो फाइनल जगह जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था, यही है वो हीरा गुहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और भाई क्या हाल है? कतर से। बांग्लादेश? ला हिंदी। इंडिया। किधर? असम से हो? जम्मू कश्मीर से। और ये भाई है जम्मू कश्मीर से, भाई भी घूमने के लिए आया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की है उस जगह की जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी, जहाँ पर पहला सूरह नाजिल हुआ था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और ये वो जगह है जहाँ पर मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। इतना सफ़र तय किया हमने, ये सफ़र प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ यहाँ आते थे और इबादत करते अल्लाह। और फिर इसी जगह पर हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि आज रमज़ान का महीना है, आज वो महीना है जिस महीने में हमारे ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। पर अल्लाह का शुक्र है हमने आज इसी महीने इसकी ज़ियारत की, शुक्रिया। तो फिर हम दोबारा जा रहा हूँ वापस, दोस्तों ये लोग भी आए थे हमारे।